तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल GSP में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। तो और बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड फेमस जो रिएक्शन है, एडिशन ऑफ अमोनिया, वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें आज का वीडियो। तो शुरू कर रहे हैं, तो हेडिंग डाल दो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आपको पता है जहां जहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा वहां वहां एलिमिनेशन होना ही होना है, तो यहां फॉलोड बाय एलिमिनेशन। और हम देखेंगे अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। आपको अमोनिया समझाएंगे, अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होता है वो समझाएंगे। तो आप देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया बहुत ही इम्पोर्टेंट फेमस रिएक्शन है। अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट डेरिवेटिव्स समझाएंगे। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो अमोनिया आपको पता होता है, पता होगा क्या होता है। अमोनिया कुछ ऐसा होता है, NH3, ये पढ़ा है कभी, NH3 अमोनिया होता है। अब देखेंगे अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अमोनिया डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स अमोनिया, अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होता है। इस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकाल दिया और एक उसकी जगह कोई ऐसा जेड डाल दो। जेड यानी कि कुछ ग्रुप है, वो देख लेंगे हम। जैसे जैसे जेड बदलता जाएगा वो वैसे वैसे अमोनिया डेरिवेटिव्स बनते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव्स है हाइड्रोक्साइल अमोइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन। हाइड्रोक्साइल अमाइन क्या होता है, कुछ NH2, इस जेड की जगह OH ग्रुप, OH यानी कि हाइड्रोक्साइल और NH2 अमाइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन। दूसरा है हमारे पास हाइड्राजोन, हाइड्राजीन है दूसरा। हाइड्राजीन क्या होता है, ऐसे NH2, यहाँ से इस जेड की जगह क्या आएगा, फिर से एक बार जेड NH2 ही आएगा, NH2 इसे बोलते हैं हाइड्राजीन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट है फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। आपको हाइड्राजीन अभी अभी देखना देखा आपने, NH2 ये हो गया भाई हाइड्राजीन। अब फिनाइल क्या है, इस NH2 में से एक H2 निकाल दो और यहाँ फिनाइल ग्रुप जोड़ दो, ऐसे यहाँ जोड़ दिया फिनाइल ग्रुप, ये हो गया फिनाइल हाइड्राजीन। अब चौथा है हमारे पास 2,3 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। सबसे पहले तो हम आपको फिनाइल हाइड्राजीन दिखाएंगे कैसा होता है। NH2 यहाँ NH और यहाँ ऐसा फिनाइल हाइड्राजीन। अब यहाँ 2,3 डाइनाइट्रो यानी कि दो नाइट्रो जोड़ने हैं। नाइट्रो कहाँ जोड़ने हैं, 2,3 इन पोजीशन पे। अब नंबरिंग कहाँ से होगी भाई, यहाँ से 1, 2, यहाँ एक NO2 ग्रुप और नाइट्रो, यहाँ एक NO2 ग्रुप। यहाँ कैसे, यहाँ देखो 1, 2, 2 पे एक, 3, 4, 4 के एक, 2,3 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। और नेक्स्ट हमारे पास है सेमी कार्बाजाइल, सेमी कार्बाजाइल। सेमी कार्बाजाइल कुछ ऐसा होता है, देखो आप सी सॉरी NH2, यहाँ NH, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ NH3, ये है सेमी कार्बाजाइल ग्रुप, इसे बोलते हैं सेमी कार्बाजाइल। तो आप देखो जैसे जैसे हम इसे NH3 को भी ऐसे लिख सकते हैं NH2 और ऐसे एक H, जैसे जैसे ये इस तरफ का जेड बदलता गया वैसे वैसे अमोनिया डेरिवेटिव्स बदलते गए। देखो NH2 के बाद जेड, NH2 के बाद ए जेड, NH2 के बाद इतना जेड, NH2 के बाद इतना जेड, NH2 के बाद इतना जेड, ये ग्रुप जैसे जैसे बदलते गए वैसे वैसे अमोनिया डेरिवेटिव्स बदलते गए। अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी रिएक्शन आपको समझा देंगे मैकेनिज्म के साथ, और आप आसानी से इस जेड की जगह ये ग्रुप रिप्लेस कर दोगे तो रिएक्शन आ जाएगी। तो नेक्स्ट इसे मिटा देते हैं हम, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। अब देखो हम आपको एक जनरल रिएक्शन समझा देते हैं, उससे हम आगे चल के रिएक्शन देखेंगे उस पर। तो कुछ ऐसा
आपको आपके पास कुछ ऐसा फिनाइल ग्रुप है, इस फिनाइल ग्रुप की इस पोजीशन पे अगर आपने CH3 लगा दिया और एक तरफ हाइड्रोजन लगा दिया तो वो हो जाएगा एल्डिहाइड, अगर दोनों तरफ आरायल ग्रुप यानी कि CH3 CH3 लगा दिया तो वो हो जाएगा कीटोन। और इसमें हम करेंगे एडिशन करेंगे अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स कौन से है, NH2Z। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ये एल्डिहाइड या कीटोन में ऐड करेंगे हम अमोनिया ग्रुप, तो इसकी रिएक्शन कर देंगे H+ आयन एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम लिख दो यहाँ, यह एसिडिक मीडियम लिख दिया। अगर यहाँ से आपको एग्जाम में ऐसा सवाल दिया तो सिंपल सा क्या करना है, यहाँ से H2 निकालना है, समझ में आया? यहाँ से H2 निकालना है और यहाँ से O, यानी कि का क्या बाहर निकला, H2O। इतना तो भाई समझ में आया होगा, H2O बाहर निकला। कहाँ से H2O बाहर निकला, यहाँ से H2 और यहाँ से O, यहाँ से इतना बाहर निकला। और जो भी बचा उस इस डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, यहाँ C या कार्बोनिल कंपाउंड को जोड़ दो, यहाँ N बचा और यहाँ एक H बचा। तो ये हो गया आपका एडिशन, एडिशन ऑफ अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव्स बोल दो। समझा दे इसका मैकेनिज्म, इस जेड के साथ ही मैकेनिज्म समझा देते, जैसे कि आप जेड बदलते जाओगे अमोनिया डेरिवेटिव्स बदलते जाओगे आपकी रिएक्शन आती जाएंगी। तो इसका देख लेते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म हेडिंग डाल दो मैकेनिज्म। अब देखो कुछ पहला कंपाउंड आपके पास ऐसा सी, यह कार्बोनिल कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड या कीटोन है, आपको समझा दिया है हमने। या अगर दोनों तरफ आर आर लगा दिए यानी कि आरायल ग्रुप लगा दिए तो वो हो जाएगा कीटोन, एक तरफ आरायल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन लगा दिया तो वो हो जाएगा एल्डिहाइड। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है आपको पता है जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ एक पाई बॉन्ड होता है और यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड वेरी वीक होते हैं। ऐसा पाई बॉन्ड यहाँ मूव किया क्यों, इसी तरफ क्यों भाई, ऑक्सीजन की तरफ ही क्यों, इस कार्बन की तरफ क्यों नहीं मूव किया, क्योंकि जो ऑक्सीजन है कार्बन से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए यहाँ का डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन ने खींच लिया तो यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन का लॉस हो गया तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया यहाँ तक? और इसमें डालेंगे H+ आयन। अब जैसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा ये H+ आयन इस O पे अटैक करेगा तो कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, या सिंगल बॉन्ड OH। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ O पे इस हाइड्रोजन ने अटैक किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ का डबल बॉन्ड खत्म हो गया और इसका पॉजिटिव चार्ज एज इट इज है। अब करेंगे हम एडिशन ऑफ ये वाला ग्रुप अमोनिया डेरिवेटिव्स। समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ तो ये वाली स्पीसीज कार्बन पे आएंगी, मगर क्यों आएंगी भाई, इस पे तो कोई, इस पे तो चार्ज ही नहीं है, उसको आप अपने खुद के पास का चार्ज देना पड़ेगा। तो इस पे आ गए दो लोन पेयर, ये दो लोन पेयर के साथ इस कार्बन ग्रुप पे अटैक करेगी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस पे पहले तो नेगेटिव चार्ज नहीं था भाई, इसे पहले ही ज़रूरत थी इलेक्ट्रॉन की, उसे पहले ही ज़रूरत थी और हमने उसे फिर से एक बार उसे खींच लिया तो यहाँ इसका इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन दे दिए है, खुद के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो यहाँ क्या आ जाएगा NH2Z। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इस NH2 को, इस H2 को ऐसे लिख दिया और यहाँ Z। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? और यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया भाई, उस पर कोई लोन पेयर नहीं थे फिर भी हमने खींच लिए, उसको ही ज़रूरत थी और उसी से ले लिए तो उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा नेक्स्ट, ये इसका इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ बलि देगा अपनी, हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे आएगा उस पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा और क्या बचा, देखो कुछ ऐसा हुआ सी या OH ग्रुप नीचे और यहाँ है N और एक हाइड्रोजन चला गया और Z बचा। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा क्या बन रही है कहानी? अब देखो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन का खत्म हो गया, अब आगे वाली रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब यहाँ होगा एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, यह OH मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ का बॉन्ड लेके ये बाहर निकलना चाहेगा, तो एक कार्बन बोला कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, हम तो आपके भरोसे बैठे, हमारी वैलेंसी कम पड़ जाएगी, तो यहाँ का हाइड्रोजन बलि देने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ का हाइड्रोजन ने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया और इस OH के साथ निकल गया, बाहर निकल गया, बाहर क्या निकला H2O। समझ में आया? यहाँ का OH के साथ एक हाइड्रोजन निकल गया, OH के साथ एक हाइड्रोजन निकल गया, H2O बाहर निकला और क्या बचा, जो बचा वो लिख दो, यहाँ डबल बॉन्ड। अब यहाँ देखो सी, सी के पास एक सिंगल बॉन्ड था और एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया
और जो एन एज इट इज रख दो भाई, और ये जेड वाला भी एज इट इज रख दो, तो देखो आपका ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। हमने एक मैकेनिज्म आपको समझा दिया है, इसे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट कर लो। समझ में आया कहानी क्या हो रही है? यहाँ एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, यहाँ ऑक्सीजन की तरफ यहाँ का एक बॉन्ड मूव हुआ क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, हाइड्रोजन इस OH पे जाके लगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, और आगे कहानी आपको पता है क्या हुई। तो हम इसे जल्दी से मिटा देते हैं और रिएक्शन ले लेते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। अमोनिया डेरिवेटिव्स, हम क्या पढ़ रहे हैं आपको पता चल गया होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोजिलिक एसिड के, अगर आपने इंट्रोडक्शन के वीडियो, प्रिपरेशन के वीडियो अगर नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख लो। अब देखते हैं हम एडिशन ऑफ अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया, हम अमोनिया ऐड कर रहे हैं तो हमें इससे क्या मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ इमाइन, फॉर्मेशन ऑफ इमाइन मिलेगा। तो देख लेते हैं हम कैसा हो रहा है। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास कीटोन का, एक एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ CH3C या H, यहाँ डबल बॉन्ड। वो ये कौन सा एसिड एल्डिहाइड है, फॉर्मल डी सॉरी एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड में हमें ऐड करना है अमोनिया NH2H। बोलो समझ में आया यहाँ तक? इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ नहीं करनी है, वो अलग रिएक्शन बन जाती है, फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया मिक्स करके वो प्रोपेन बन जाता है, वो हमें आगे समझा देंगे आपको। यहाँ डालना है H+ आयन, एसिडिक मीडियम। अब देखो यहाँ एसिडिक मीडियम किताब में दे दिया जाता है मगर ऐसा नहीं होता है, ये एसिडिक फुल एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन खुद के ही साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ रिएक्ट ही नहीं होगा। तो इसके लिए हमें कंट्रोल pH लेना होगा, कंट्रोल pH यानी कि कौन सा pH, 3.5, ना हाईली एसिडिक होनी चाहिए ना हाईली बेसिक होनी चाहिए, कंट्रोल pH 3.5 होना चाहिए। अब यहाँ क्या होगा आपको मैंने समझा दिया है, यहाँ से H2 निकाल दो और यहाँ से O, क्या बाहर निकला H2O, इतना बाहर निकला, समझ में आया यहाँ तक? और जो बचा स्पीसीज उस ये डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, ऐसे CH3 या C या हाइड्रोजन या डबल बॉन्ड, और जो N H के साथ जोड़ दो, ये बन गया आपका इमाइन प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भाई एसीटल्डिहाइड इमाइन, इसका नाम है एसीटल्डिहाइड इमाइन। और एग्जांपल देखें, कुछ कीटोन का एग्जांपल देखते हैं, CH3 C, यहाँ नीचे CH3 या डबल बॉन्ड O, इसमें डाल दिया हमने एसिड अमाइन, डाल दिया NH2H, अमोनिया डाल दिया सॉरी, और कंट्रोल pH H+ आयन, कंट्रोल pH क्या, 3.5। इसका नाम क्या है आपको पता होगा, एसीटोन नाम है इस भाई साहब का, एसीटोन बन गए। और एसीटोन में फिर से एक बार क्या कर रहे हैं, यहाँ से H2 निकालना है और यहाँ से O, क्या बाहर निकला H2O। समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है? यार बार बार हम मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, तो देखो यार यहाँ से H2 और यहाँ से H2 और यहाँ से O, H2 बाहर निकला, जो भी स्पीसीज बची इस डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, ऐसा कुछ बना CH3 C, यहाँ नीचे CH3 यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ NH, इसका क्या नाम है, एसीटोन इमाइन, एसीटोन इमाइन। समझ में आया? कुछ बेंजाल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेते हैं, या CH3 C या C6H5, यानी कि बेंजीन रिंग जुड़ी है, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ कुछ ऐसा H ले लो, यहाँ बेंजाल्डिहाइड हो जाएगा ये, और इसमें डाल दिया हमने अमोनिया NH2H। फिर से एक बार वही कहानी, H+ आयन और कंट्रोल pH 3.5 डालना है, और यहाँ से H2 और यहाँ से O, H2O बाहर निकल गया H2O, और क्या बना कुछ HC, यहाँ C6H5, यहाँ डबल बॉन्ड O, वो नहीं, अब वो तो उस H2O के साथ निकल गया और NH यहाँ लग जाएगा, प्लस में वाटर बना, तो इसका नाम क्या हो गया, ये फॉर्म ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड इमाइन, बेंजल्डिहाइड
इमाई। समझ में आया यहाँ तक? अब देख, हमने एडिशन ऑफ अमोनिया, इसके साथ इसके बाद हमने आपको इमाइन कैसे फॉर्म होता है आपको बता दिया है। तो अगला वाला अमोनिया डेरिवेटिव्स ले लेते हैं, हाइड्राजिन की रिएक्शन देखते हैं हम। इसे जल्दी से नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दे इसे, मिटा रहे इसे। टिन 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 टिन, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, उतना ही इम्पोर्टेंट। जी के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। तो नेक्स्ट ऑक्साइल की रिएक्शन देखो, एक कुछ ऐसा कंपाउंड है वही CH3C, यह H, यह डबल बॉन्ड O, और इसमें ये वाला प्रोडक्ट ऐड किया NH2OX, हाइड्रोक्साइल अमाइल। तो इसका नाम है एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एच प्लस आयन डालेंगे, कंट्रोल पीएच, कंट्रोल पीएच कितना 3.5। तो फिर वही होगा कहानी, यहाँ से एच टू निकलेगा और यहाँ से एच टू ओ बाहर निकला, और क्या जो बचा वो प्रोडक्ट इस डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। हमने जोड़ दिया सी एच थ्री सी, यह एच, यह डबल बॉन्ड, और ओ हट जाएगा, ओ इसके साथ निकल गया, एन ओ एच, ये प्रोडक्ट आपको बन के तैयार हो गया। इसका नाम क्या है, एसीटल्डो ऑक्सीम, एसीटल्डो ऑक्सीम, ये प्रोडक्ट बन गया। वही और एक नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, कुछ एग्जांपल सी एच थ्री सी सी एच थ्री, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ एन एच टू ऐड कर दिया, एन एच टू ओ एच ऐड कर दिया, और ये क्या है, एसीटोन है, एसीटोन। यहाँ से फिर से एक बार वही कहानी, यहाँ से H2 निकलेगा और यहाँ से वो H2O बाहर निकल गया, H2O प्लस, प्लस में क्या बना, जो यहाँ से NOH इसे इस डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, यहाँ CH3, यहाँ C, यहाँ नीचे CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, वो अब हट जाएगा, वो तो इस H2O के साथ निकल गया, तो NOH, NOH, इसका नाम क्या हो गया, एसीटोन ऑक्सीम, ये इसका नाम हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रिएक्शन नोट कर लो, हो आगे वाली ले लेते हैं, हाइड्राजीन की रिएक्शन देखते हैं। अमोनिया हाइड्राजीन अल्डिहाइड या कीटोन में मिक्स करके हमें क्या मिल सकता है वो देखते हैं। तो ये मिटा दे रहे हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा नोट ही कर लो। अब देखते हैं आगे वाली कहानी, बस उस जेड की जगह वो ग्रुप बदलते जाना है, उसका डेरिवेटिव बदलते जाना है और आपको प्रोडक्ट मिलता जाएगा। तो हम देखते हैं अब एडिशन ऑफ हाइड्राजीन, हेडिंग डाल दो एडिशन ऑफ हाइड्राजीन। हाइड्राजीन की एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ क्या मिलेगा हमें, हाइड्राजोन मिलेगा, हाइड्राजोन। कैसे मिलेगा देख लेते हैं, वो एग्जांपल ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं हम सी एच थ्री सी एसीटल्डिहाइड का, यहाँ ले लिया, यहाँ तुम फॉर्मल्डिहाइड भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ कोई नहीं, सिर्फ उस अमोनिया के साथ नहीं ऐड करना है, उसकी रिएक्शन अलग हो जाती है। यहाँ सी एच थ्री सी और यहाँ है एच को, ये हो डबल बॉन्ड हो, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड एसीटल्डिहाइड, इसमें हमने ऐड कर दिया हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या होता है, एन एच टू, एन एच टू, यही होता है हाइड्राजीन। उसमें डाल दिया कंट्रोल पीएच, एच प्लस पीएच, कंट्रोल पीएच कितना 3.5। वही कहानी यहाँ भी, यहाँ से एच टू निकाल दो और यहाँ से ओ, एच टू ओ बाहर निकल गया, एच टू ओ बाहर निकल गया, और जो बचा वो इसके साथ जोड़ दो। यहाँ जोड़ दिया सी एच थ्री सी, यहाँ नीचे एच, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ एन, और वो बचा एन एच टू, इसका नाम क्या हो गया, ये एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड इसके साथ रिएक्ट किया हमने हाइड्राजीन के साथ, तो हमें मिला एसीटल्डिहाइड हाइड्राजोन, इसका नाम है एसीटल्डिहाइड हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, कीटोन का एग्जांपल सी एस थ्री सी, यहाँ सी एस थ्री, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ हाइड्राजीन डाल दिया एन एच टू, एन एच टू, इसका नाम है एसीटोन। कॉमन नेमिंग
हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में सब कुछ डिटेल में बता दिया है, अब जाके देख लो, नहीं देखा तो H प्लस एन कंट्रोल pH इतना 3.5 कंट्रोल pH लेना है, हमने पहले ही बता दिया है, ना हाईली एसिडिक लेना है ना हाईली बेसिक लेना है। वही कहानी यहाँ भी, यहाँ से H2 निकलेगा और यहाँ से वो बाहर निकला भाई H2O, समझ में आया, और जो बचा उस इस एसीटोन के ग्रुप के साथ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दिया CH3C, यहाँ CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, क्या बचा N, और यहाँ से H2 निकल गया और NH2 बचा, सॉरी यहाँ NH2 रह गया, NH2, इसका नाम क्या है, एसीटोन, एसीटोन हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनाया हमने, समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, इसे फिनाइल हाइड्राजीन देखते हैं, तो यहाँ देख लो, अब इसे मिटा रहे हैं हम, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही सिंपल सिंपल रिएक्शन है, उतनी ही इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एडिशन ऑफ वो फिनाइल हाइड्राजिन की, आप देख लो 2.3, बस वो जेड की जगह वो ग्रुप बदलती जाना है, हम लास्ट वाले लेते हैं सेमी कार्बाजाइन, एडिशन ऑफ सेमी कार्बाजाइल से सेमी कार्बाजोन बनाना है हमें, फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन ये बनाना है, बनाना नहीं रे खाने का वो। अब देखो एग्जांपल ले ले, कुछ एल्डिहाइड का ले लेते हैं, एच सी, यहाँ एच, यहाँ डबल बॉन्ड हो, ये क्या है फॉर्मल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन कर दी हमें सेमी कार्बाजोन से, सेमी कार्बाजोन क्या होता है आपको पता चल गया होगा, NH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ NH, सी डबल बॉन्ड ओ, NH2, समझ में आया, ये होता है सेमी कार्बाजोन, और ये है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड वही कहानी होगी, यहाँ भी कुछ अलग सा नहीं करना है हमें, यहाँ H प्लस आयन डाल दिया, कंट्रोल pH 3.5, वही कहानी, यहाँ से H2 निकालना है और यहाँ से O निकालना है, बाहर निकल गया H2O और प्लस में क्या प्रोडक्ट बना, ये पूरा प्रोडक्ट N के साथ इस डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है, एच सी, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ N बचा और यहाँ NH, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ NH2, समझ में आया क्या हुआ, इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड हाइड सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, समझ में आया। और एग्जांपल देख ले, कीटोन का एग्जांपल देखो, ये तो फॉर्मल्डिहाइड का हो गया, ऐसे ही एसिटाल्डिहाइड का करो, यहाँ सिर्फ CH3 बदलेगा, कीटोन का ले लेते हैं हम CH3C, यहाँ CH3, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, और क्या इसमें डालना है हमें, ये सेमी कार्बाजोन, NH2, यहाँ NH, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ NH3, और ये क्या है, एसीटोन है, एसीटोन में आपने सेमी कार्बाजोन ऐड कर दिया, सॉरी सेमी कार्बाजाइल ऐड कर दिया, उसे आपको मिलेगा सेमी कार्बाजोन, तो कंट्रोल pH H प्लस एंड डाल दिया, pH 3.5, क्या बाहर निकला, यहाँ से H2 और यहाँ से O बाहर निकला, H2O, और प्लस में जो प्रोडक्ट बना इस N के साथ, इस सारी स्पीसीज इस डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देनी है, बस काम खत्म, यहाँ CH3, यहाँ C, यहाँ CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, वो तो निकल गया, अब N बचा, यहाँ N निकल गया, यहाँ से NH, यहाँ C डबल बॉन्ड O, NH3, इसका नाम क्या है, एसीटोन कार्बाजोन, एसीटोन कार्बाजोन। तो आपको हमने सेमी कार्बाजाइल से सेमी कार्बाजोन भी कैसे बनाते हैं वो सिखा दिया है, और जो भी अमोनिया डेरिवेटिव्स बचे हुए वो आप ट्राई करो, अगर नहीं आ रहे तो मुझे कमेंट में लिख दो, हमें वो भी बना दूंगा। तो आज के वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और इसे शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसे ही हम 11th और 12th स्टैंडर्ड के ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहते हैं। वो जल्दी से देखने के लिए बेल को प्रेस कर देना। तो आज का वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए फेयर यू ऑल द बेस्ट।